तो अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि प्रोडक्टिविटी होता क्या है तो हम बात करें आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इज इक्वल्स टू प्रोडक्टिविटी तो ये तो हुई मैथमेटिकल इक्वेशन की बात अगर हम इकोसिस्टम लेवल पे बात करें प्रोडक्टिविटी की तो वो होता है रेट ऑफ जनरेशन ऑफ बायोमास इन एन इकोसिस्टम। यानी जो हमारी अर्थ पे इकोसिस्टम मिल रहे हैं उसमें किस रेट पे बायोमास जनरेट हो रहा है वो होती है हमारे इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बायोमास क्या नई चीज़ हमने इंट्रोड्यूस की है तो अगर मैं बायोमास की बात करूं, तो बायोमास है मास ऑफ अ लिविंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन एरिया और इकोसिस्टम इन अ गिवन टाइम तो हम अगर बात करें बायोमास की तो मास ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात कर सकते हैं जैसा कि आप इस इमेज में भी देख पा रहे हैं अगर हम इस इमेज को अच्छे से स्टडी करें तो सबसे पहले हमने देखा कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो भी एक लिविंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है तो इकोसिस्टम में एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम में फोटोसिंथेसिस करके वो कुछ मास प्रोड्यूस कर पा रहे हैं वो उनका बायोमास हो जाता है इसी तरीके से हम आगे बात करें साइकिल कंटिन्यू चल रही है बायो मास प्रोडक्शन की और प्रोडक्टिविटी भी प्रोड्यूस हो रही है इकोसिस्टम में इसके बाद हम सीखेंगे हमारे सबसे पहले सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अगर हम बात करें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की तो जो बायोमास है उसके बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल होते हैं जैसे कि हम बात करें फॉरेस्टरी क्रॉप्स एंड रेसिड्यूस यानी जो फॉरेस्ट से बायोमास जनरेट हो रहा है वो इसके अलावा एग्रीकल्चरल क्रॉप्स एंड रेसिड्यूज जो एग्रीकल्चरल लैंड है उनमें जो क्रॉप्स ग्रो हो रही है वो इसके अलावा जो सीवेज है उनसे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उससे भी बायोमास जनरेट होता है जो एनिमल रेसिड्यूज या वेस्ट मटेरियल है वो भी बायोमास जनरेट करने में मदद करती हैं और हम बात करें जो इंडस्ट्रियल रेसिड्यूज हैं तो ये इतने सारे बायोमास सोर्सेस अवेलेबल हैं हमारे इकोसिस्टम में जिससे बायोमास प्रोड्यूस हो सकता है अगर हम बात करें फॉरेस्ट की तो फॉरेस्ट सबसे मेजर सोर्स होते हैं बायोमास के सारे इकोसिस्टम में जो फॉरेस्ट है दे आर दी मेजर सोर्सेज ऑफ बायोमास अगर हम बात करें बायोमास की तो बायोमास एक्सप्रेस की जाती है एक पर्टिकुलर यूनिट में और वो यूनिट होती है मास पर यूनिट एरिया मास की यूनिट हमने यहाँ पर ग्राम बताई और पर यूनिट एरिया हमने बोल दिया मीटर स्क्वायर तो जो बायोमास है उसे हम ग्राम पर मीटर स्क्वायर की टर्म्स में भी रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस करते हैं तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं जो प्लांट्स हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि बायोमास प्रोड्यूस करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल सब्सटेंसेस से तो यहाँ पर जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सोलर एनर्जी को यूज करके प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो एक रेट ऑफ एनर्जी फ्लो होता है सन से प्रोड्यूसर्स तक तो अगर हम इसमें आगे जाके बात करें प्राइमरी प्रोडक्शन के बारे में तो इसका मतलब ये होता है अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाई प्लांट्स ज्यूरिंग फोटो सिंथेसिस यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो प्रोडक्शन कर रहे हैं जो बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं पर यूनिट एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फोटोसिंथेसिस की मदद से उसे हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट सनलाइट या सोलर एनर्जी यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ करते हैं और अल्टीमेटली बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन तो अगर हम फोटोसिथेसिस रिएक्शन की बात करें तो जो प्लांट है वो वाट कार्बन डाइऑक्साइड, सोलर एनर्जी को यूज़ करके बना रहे है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है और ऑक्सीजन और ये ही ग्लूकोज और ऑक्सीजन होते हैं बायोमास तो आपने देखा किस तरीके से प्राइमरी प्रोडक्शन में प्लांट्स ने मदद करी एक बायोमास बना के ग्लूकोज और ऑक्सीजन की फॉर्म में तो क्या आपको पता है कि जो टोटल बायोमास प्रोडक्शन का रेट है उसे हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में इसके अलावा जो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है पूरे बायोस्फेयर की वो है 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर तो आप सोच सकते हैं कितने ज़्यादा बिलियन टन्स में हम ड्राई वेट या बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं या पूरा बायोस्फेर मिलकर इतना मिलियन टन ऑफ ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर रहा है अगर हम बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं तो सबसे पहला फैक्टर है प्लांट स्पीशीज इन्हेबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया जो प्लांट स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया में मिल रही है उस पर भी डिपेंड करेगा कि कितनी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डेफिनेटली बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे थर्ड है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स अगर प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो वो क्या अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे क्या वो बायोमास जनरेट कर पाएंगे तो इसका आंसर आता है नहीं तो डेफिनेटली जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो भी अफेक्ट होगी ही और हमारा लास्ट फैक्टर है फोटो कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट एक प्लांट की कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना फोटोसिंथेसिस कर सकता है अगर प्लांट या ट्री बहुत अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो डेफिनेटली बायोमास प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होगा और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होगी उस प्लांट की